फ्री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेल के माध्यम से एक सवाल भी मिला हुआ है स्टूडेंट की तरफ से कि क्या तैयारी अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमारी सारी तैयारी जो है ऑनलाइन मोड से ही होना चाहिए या ऑनलाइन मोड से किए गए तैयारी जो है वो किसी भी जो है परीक्षा के लिए जो हमारा प्रिपरेशन है उसके लिए जो है पर्याप्त हो सकता है। हम इस क्वेश्चन का जवाब देने तथा कंटेंट को जो है आप तक पहुंचाने के पूर्व में एक संक्षिप्त जो है कहानी सुनेंगे और समझेंगे कि जैसे जो प्राचीन काल से लेकर के जो है अगर यात्रा और परिवहन के साधन पर जो है विचार किया जाए तो पूर्व में व्यक्ति जो है पैदल ही यात्रा करते थे, जो है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक की दूरी भी पैदल यात्रा कर डालते थे। इसके बाद धीरे धीरे जो है परिवहन के साधन जो बदलते गए, बैलगाड़ी आती है, इसके बाद साइकिल आता है, फिर बाइक आती है, मोटरसाइकिल जिसको आप कहते हैं, इसके बाद जो है आपके फोर व्हीलर आते हैं, ट्रेन आती है, हाई स्पीड ट्रेन आती है, बुलेट ट्रेन आती है और आज की डेट में परिवहन के साधन इतने आगे निकल चुके हैं कि हम वैक्यूम सिस्टम पर आधारित जो है हाइपर लूप टेक्नोलॉजी को अपना लिए हैं, जहां पर जो है पूर्व के 10 घंटे से 15 घंटे की जो यात्रा है वो 40 से 45 मिनट में पूरी हो रही है। 1000 से लेकर के 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है यात्रा हो रही है, यानी कि ध्वनि की अगर चाल को भी देखा जाए तो उससे 3 से 4 गुना स्पीड से जो है यात्रा करने के माध्यम की खोज हो चुकी है और जिनका ट्रायल होने के बाद जो है लोग उसके माध्यम से परिवहन और उसका यात्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस बात को समझना आवश्यक है कि हम ये कहानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि समय के अनुसार जिस तरीके से जो है परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं उस तरीके से नए नए तकनीक का जो है आविष्कार और ईजाद होता है और व्यक्ति अपने जीवन में उन चीज़ों को अपनाता है। जिस तरीके से पहले जो है पढ़ाई करने और तैयारी करने का माध्यम हमारे टेक्स्ट बुक होते हैं, टेक्स्ट बुक जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है और किसी भी जो है चाहे वो पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट हो या तैयारी करने वाला स्टूडेंट हो, दोनों के लिए जो है इसके अपने अपने जो है महत्व हैं। अभी हम इस महत्व को थोड़ा सा आगे और चल करके देखेंगे। इसके पूर्व में हम इस बात को समझना चाहेंगे कि पढ़ाई करना और तैयारी करना इन दोनों में जो है अंतर होता है। पढ़ाई या जो है इसे आप अध्ययन कह सकते हैं, अध्ययन, और तैयारी यानी कि प्रिपरेशन, इन दोनों में अंतर होता है। जैसे पढ़ाई के लिए आज के समय में टेक्स्ट बुक के साथ साथ जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल या ऑनलाइन कंटेंट जिस तरीके से अवेलेबल है तो लोगों में बहुत ही कंफ्यूजन है और इस चीज़ को लेकर के विद्यार्थियों में जो है या प्रतियोगियों में कंफ्यूजन भी रहता है। जैसे यदि आप जो है यदि हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, इंटरमीडिएट की कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की कर रहे हैं तो आपको जो है ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के साथ साथ जो है टेक्स्ट बुक का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और आप करते भी होंगे। यदि नहीं करते हैं तो आप श्योर इस बात को जो है समझने का प्रयास कीजिए कि टेक्स्ट बुक का कोई भी जो है विकल्प नहीं है। टेक्स्ट बुक जो है इस दौरान, जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों में अंतर है, अभी हम लोग जो पढ़ाई और अध्ययन में जो है देख रहे हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में जो है अगर इस स्तर पर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो है आपकी पढ़ाई टेक्स्ट बुक के माध्यम से होनी चाहिए क्योंकि टेक्स्ट बुक के जो है कोई विकल्प कभी भी नहीं बनेगा। हाँ, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के भी अपने महत्व हैं, उसके जो है परीक्षा के लिए जो है आपकी तैयारी में सहयोग है, परंतु जो है जो टेक्स्ट बुक है जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के स्तर पर जो है आपको पढ़ने को मिलता है उसका कोई विकल्प नहीं है। उसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि जब आप किताब पढ़ते हैं तो किताब आपको जो है सोचने के लिए विवश करता है क्योंकि किताबें बोलती हैं, कहा जाता है कि किताबें बोलती हैं। जब आप किताब का अध्ययन करते हैं तो उनकी लाइनों को जो है आप देखते हैं, वो लाइनें आपसे जो है प्रश्न कराती हैं और जब आप किसी विषय पर जो है प्रश्न करते हैं, सोचते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं तो आपके अंतर्गत जो है सृजनशीलता और कल्पना शक्ति का जो है विकास होता है।
और यह किसी भी जो है विषय के जो है पढ़ाई के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। यानी कहने का तात्पर्य हो गया कि पढ़ाई या अध्ययन के लिए जो किताबें जब होती हैं तो आपकी जो है मन और मस्तिष्क को जो है व्यापकता से जो है जोड़ती हैं, सृजनशीलता जो है आप में जो है पैदा करती हैं जो है। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है किताबों का होना आवश्यक है। इसके साथ साथ जब आप किताबों का अध्ययन करते हैं तो आपको जो है इसमें कहानियां मिलती हैं, केस स्टडी मिलता है और इसी के साथ जो है अनगिनत उदाहरण देखने को आपको मिलते हैं। ये किताबों में मिलता है क्योंकि किताब जब आप पढ़ते हैं तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, आपके पास समय होता है। क्योंकि समय की बात जो है हम यहाँ पर इसलिए जो है एकेडमिक पढ़ाई को विशेष रूप से जोड़ करके देख रहे हैं क्योंकि एकेडमिक पढ़ाई के दौरान अगर आप हैं तो उस दौरान जो है किताबों के अध्ययन जो है अवश्य होने चाहिए क्योंकि किताबों के अध्ययन का जो है अपना महत्व है कि उसमें जो कहानियां होती हैं, केस स्टडी होता है, उदाहरण अलग अलग विषयों से संबंधित मिलते हैं जिससे जोड़ करके उस विषय में अपनी समझ को बढ़ाने के लिए जो है आपको मदद मिलती है। और दूसरा जो है इससे आपकी जो सोच को व्यापकता मिलती है, सृजनशीलता मिलती है, प्रश्न करने की संभावना आपको बढ़ती है, अलग अलग विषयों पे अपने जो है विचार कॉन्सेप्ट में या उदाहरणात्मक रूप में रखने की क्षमता का विकास होता है। ये बात रही जो है आपके एकेडमिक पढ़ाई की। लेकिन जब आप तैयारी करते हैं तो वो एकेडमिक पढ़ाई से अलग होता है। तैयारी यानी कि प्रिपरेशन जब आप करते हैं तो प्रिपरेशन हमेशा किसी एग्जाम को टारगेट करके जो किया जाता है। तो जब हम प्रिपरेशन करते हैं उसका एक जो है निश्चित जो है पाठ्यक्रम होता है तो उस दौरान समय आपके पास कम होता है और उस कम समय में जो है अपने आप को पाठ्यक्रम की तैयारी करना होता है और बेहतर ढंग से परीक्षा में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना होता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई का जो है सहारा लिया जा सकता है कि यदि कोई पाठ्यक्रम की चीज़ आपको नई किताबों में मिल रही है तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको देख सकते हैं, या अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अत्यंत ही जटिल, कई बार किताबों से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और व्यक्ति जब उसको समझाता है तो वो थोड़ी सी ज़्यादा जो प्रभावी होती हैं क्योंकि जब व्यक्ति किसी विषय पे जो है समझाता है तो उससे संबंधित जो है अन्य पक्षों को भी जो है दिखाने का प्रयास करता है जो कि किताबों में एक साथ नहीं हो सकते है कि किसी विषय के बारे में पढ़ाई चल रही है तो वो अलग अलग कई संदर्भों को एक साथ जोड़ करके नहीं रख सकता क्योंकि वहाँ पे जो किताबों में कॉन्सेप्ट रखे हुए हैं उसके धारा प्रवाह में भी कहीं ना कहीं बाधा होती है। लेकिन जब व्यक्ति जो है उसको क्लासेज में पढ़ाता है और वो क्लासेज ऑनलाइन आपको बहुत ही इजिली मिल सकती हैं तो कुल मिलाकर के उन जटिल टॉपिक के लिए आप संपर्क कर सकते हैं या जो है शीघ्रता से पहुंच जो है शीघ्रता से जो है पहुंच अगर देखा जाए तो वो जो है यहाँ पे होता है क्योंकि किताबों की भी अपनी सीमाएं ये होती हैं कि जो हमारे एकेडमिक जो पढ़ाई के लिए किताबें लिखी गई हैं वो और जो हमारे प्रिपरेशन के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए होते हैं उसमें अंतर होता है। तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के लिए जो हमारे पाठ्यक्रम बनाए गए हैं वो आपके समाज के लिए, आपके प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, समसामयिकता के लिए, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण जो है टॉपिक को उसमें रखा जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो सारे टॉपिक एक साथ किताबों में मिल जाए। तो इसके लिए जो है आप ऑनलाइन जो है प्रिपरेशन का जो है सहारा लेते हैं। तो कुल मिला करके जटिल टॉपिक शीघ्रता से जो है टॉपिक की पहुंच, या अगर आप ऐसे क्षेत्र में हैं, बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहाँ पे आप क्लासेस नहीं कर सकते हैं या जो है स्कूलिंग के माध्यम से आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तब तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ही जो है सहारा लेना ही लेना होता है क्योंकि अगर आप स्कूलों के माध्यम से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ऑनलाइन जाना ही जाना है। लेकिन अगर एकेडमिक स्तर पर जो है आपको किताबें स्कूल और मार्गदर्शन बेहतर ढंग से भौतिक कक्षाओं में मिल रहा है तो ये निश्चित तौर पर आपको करना चाहिए। बाकी जब आप वहाँ पे बेहतर ढंग से जो है अपनी तैयारी कर चुके होंगे और जब प्रिपरेशन में आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको ऑनलाइन जो स्टडी मटेरियल या जो है कंटेंट आपको मिलेगा वो बहुत ही प्रभावी होगा, आपके लिए समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आसान होगा। तो कुल मिलाकर के दोनों ही पढ़ाई के माध्यम के अपने अपने जो है महत्व हैं, किसी के भी महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, परंतु अगर आप जो है किसी एक स्थिति में हैं तो उस स्थिति के लिए इन दोनों
ही तरीकों को आपको बताया गया है कि अगर आप एकेडमिक जो है कक्षाओं में पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर किताबों का अध्ययन अवश्य कीजिए, उसके लाभ आपको एक एक करके जो है बताए गए हैं। लेकिन जब आप जो है प्रिपरेशन में होते हैं तो वहाँ पर आप जो है ऑनलाइन जो है स्टडी मटेरियल का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ कम टाइम में बहुत ही प्रतिस्पर्धी ढंग से जो है स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पढ़ाई करने का, तैयारी करने का, आपके टेक्स्ट का, एक्सरसाइज का जो है जो अप्रोच और दृष्टिकोण होता है वो प्रतिस्पर्धी होता है और एग्जाम ओरिएंटेड होता है। तो इस तरीके से दोनों ही जो है मोड के अपने महत्व हैं, और केवल एक मोड का ही सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए आपको ऑनलाइन मोड का भी सहारा लेना चाहिए। किंतु वहां पर भी किताबों के महत्व को इनकार नहीं किया जा सकता है। दोनों में संतुलन बनाइए, किताबों का अध्ययन अवश्य कीजिए, जो टॉपिक नहीं मिलते हैं या जो टॉपिक कठिन होते हैं उन सभी टॉपिक्स के लिए आप ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म का और वहाँ पे उपलब्ध स्टडी मटेरियल का सहारा आप अवश्य लीजिए, और इस तरीके से जो है आप अपनी तैयारी को संपूर्णता प्रदान कीजिए, कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए, और इसके माध्यम से आप देखेंगे कि आपकी तैयारी जो है एग्जाम ओरिएंटेड होगी और आपके सिलेबस की बेहतर ढंग से तैयारी होगी, जिससे आने वाले विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में आप अपनी जो है बेहतर ढंग से और मजबूत तैयारी के साथ अपनी दावेदारी को पेश कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जो है आपके पूछे गए इस सवाल की क्या तैयारी के लिए जो है केवल ऑनलाइन मोड ही जो पर्याप्त है, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। तो बेहतर ढंग से संतुलन स्थापित किए कीजिए, केवल परीक्षा में ही नहीं बल्कि जिंदगी के अलग अलग पक्षों और संदर्भों में भी जो है आपको इस संतुलन की आवश्यकता होगी। तो उम्मीद करता हूं कि यह संक्षिप्त सेशन और लेक्चर आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण होगा। पुनः अगले लेक्चर में हम फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।